और फिर बैठने के बाद कहने लगा हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चले बनेंगे। अबे ऐसे कैसे चले जाओगे झोला उठा के, हमने तुमको चुना है, तुम्हारा झोला भी पकड़ लेंगे, पीछे से तुमको भी पकड़ लेंगे। मोदी जी सबका विकास, सबका क्या कर रहे हैं, सबका साथ कर रहे हैं। इतना विकास किया पेट्रोल में कि 50 लीटर से वो 110 रुपया लीटर हो गई। जुमलेबाज व्यक्ति हैं वो घुमा फिरा के, और वो पिछड़े बिल्कुल भी नहीं है, वो ये तो पिछड़ा पिछड़ा करके, हिंदू हिंदू करके, मंदिर मंदिर करके 15 लाख दूंगा और आप लोगों को 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, दिया कुछ नहीं और गद्दी पे फटाक से बैठ गया। और उनको इसलिए अलग किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी महिला है। रामनाथ कोविंद को भी निमंत्रण नहीं मिला है क्योंकि वो भी शूद्र है, कोली समाज से आते हैं। अरे वो जहाँ जाते हैं जिसका बेटा बन जाते हैं। यदि यमुना आए मथुरा आए तो मैं यमुना मैत्री का बेटा हूँ, गंगा जी जाएं तो वो गंगा जी का बेटा हूँ, और वो त्रिपुति जाएं तो त्रिपुति के बेटा हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। आप अभी देख रहे होंगे जैसा कि आप लोगों को हमने लगातार एक खबर से रूबरू कराया है कि किस प्रकार से महिला पहलवानों का यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा हो गया और प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला और तमाम जो खाप पंचायत से लेके भीम आर्मी से लेके बुद्धिस्ट और सारे लोग यहाँ पे समर्थन में आ रहे हैं। मेरे साथ हैं मंत्री जी, हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आप इस धरने को देख रहे हैं। ये जनहित आवाज के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये 28 दिन से लगातार ये बच्चियां, पहलवान बच्चियां, ये कड़कती धूप में आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। ये कोई दुख की बात नहीं है कि 28 दिन हो गए, ये बड़ा आनंद का विषय है कि 28 दिन हो गए। ये धीरे 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 आग पूरे देश में लगती जा रही है और ये ऐसी आग लगेगी आगे चल के, इसे कोई भी फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा पाएगी। धीरे धीरे ये चल रहा है, बहुजन समाज ही नहीं, ओबीसी वीसी जाट गुजर सभी जाग रहे हैं। और जब ये धीरे धीरे जागेगा तो इनको न्याय मिलेगा। इन बेटियों के साथ पूरा देश है, पूरे देश के लोगों की सहानुभूति है, भीम आर्मी की सहानुभूति है, किसान आंदोलन की सहानुभूति है, सारे गरीब मजदूरों की सहानुभूति है। मोदी जी को ये मामला बड़ा ऐसा दिख रहा है कि हम ऐसे ही पुलिस से धमका कर और पुलिस से इनको दबा कर, पुलिस से इनको डरा कर हम उठा देंगे, लेकिन ऐसा असंभव है। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ से ये कोई भी पहलवान, कोई भी लड़की यहाँ से हिलने वाली नहीं है। आपने मोदी जी को बीच में लाया, इसमें मोदी जी कहाँ से आ रहे हैं भंते जी, ये तो ब्रिजभूषण और पुलिस कानून के बीच का मामला है। ओहो, मोदी जी का ही तो कैबिनेट मिनिस्टर है वो, मोदी जी ने ही तो उसे नॉमिनेट किया है, मोदी जी की गवर्नमेंट में ही तो ये सब कुछ हो रहा है। मोदी जी बीच में क्यों नहीं आएंगे, मोदी जी को अलग कैसे किया जाएगा, मोदी जी तो हैं सब कुछ। लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया, ऐतिहासिक नारा है, तमाम चीज़ें 2014 के बाद उन्होंने डिजिटल इंडिया, सबका साथ सबका विकास, इस तरह के नारे दिए। और देखते होंगे आप नेशनल मीडिया में, नेशनल टेलीविज़न में कि रिपोर्ट आती है बार बार, हर साल रिपोर्ट आता है जिसमें दिखाया जाता है कि मोदी जी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी सबका विकास, सबका क्या कर रहे हैं, सबका साथ कर रहे हैं। इतना विकास किया पेट्रोल में कि 50 लीटर से वो 110 रुपया लीटर हो गई। इतना विकास किया उन्होंने कि रेलवे गिरवी रख दिया। इतना विकास किया कि उन्होंने DRDO बेच दिया। इतना विकास किया कि उन्होंने BHL बेच दी। इतना विकास किया कि 265 टन सोना गिरवी रख दिया। इतना विकास किया कि एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। इतना विकास हुआ कि एक भी व्यक्ति का अभी तक कोई भला नहीं हुआ।
ऐसा विकास किया कि 15-15 लाख देकर आए लेकिन किसी के अकाउंट में 15 रुपया नहीं पहुंचे। तो इतना तो विकास हो रहा है बेटा, इससे ज्यादा विकास और क्या होगा। कुल मिला के इनको कोई भी विकास नहीं दिख रहा है। लेकिन इनसे एक और सवाल पूछेंगे कि जैसे आपको मालूम है कि 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें कि पूरी विपक्षी पार्टियां जो हैं 15-16 विपक्षी पार्टियां वो बहिष्कार कर रही हैं क्योंकि मुर्मू जी को यानी हमारी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा। अरे मुर्मू जी को छोड़ो, किसी भी सूत्र को नहीं बुलाया जाएगा। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो न तो कल्याण सिंह को बुलाया गया, न विनय कटियार को बुलाया गया और न उमा भारती को बुलाया गया, न न्यास में रखा गया। उनकी दृष्टि में ये सब शूद्र हैं, शूद्र आएगा तो उनका पूजा पाठ अपवित्र हो जाएगा। और ये 28 तारीख को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सावरकर का जन्मदिन है और सावरकर जो है हिंदू राष्ट्र के प्रोता थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, आरएसएस के व्यक्ति थे और वो इसलिए किया जा रहा है और उनको इसलिए अलग किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी महिला है। रामनाथ कोविंद को भी निमंत्रण नहीं मिला है क्योंकि वो भी शूद्र है, कोली समाज से आते हैं। लेकिन मोदी जी के भी बारे में, मोदी जी ने जब चुनाव हो रहा था तो उस समय वो कहते थे मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, पिछड़ा हूँ, हमें जरूरत है पिछड़ों की। अरे वो जहाँ जाते हैं जिसका बेटा बन जाते हैं। यदि यमुना आए मथुरा आए तो मैं यमुना मैत्री का बेटा हूँ, गंगा जी जाए तो वो गंगा जी का बेटा हूँ और वो त्रिपुति जाए तो त्रिपुति के बेटा है। वो जहाँ जाए जिसका बेटा बन जाते हैं, वो मथुरा आए तो मथुरा में वो यमुना के बेटा बन जाए और वहाँ बनारस जाए तो गंगा के बेटा बन जाए और वहाँ मथुरा वहाँ पर जाए तो गुजरात में तो उसके बेटा बन जाए। वो तो ऐसे जुमलेबाज व्यक्ति हैं, वो घुमा फिरा के, और वो पिछड़े बिल्कुल भी नहीं है। वो ये तो पिछड़ा पिछड़ा करके, हिंदू हिंदू करके, मंदिर मंदिर करके 15 लाख दूंगा और आप लोगों को 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, दिया कुछ नहीं और गद्दी पे फटाक से बैठ गया। और फिर बैठने के बाद कहने लगा हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चले बनेंगे। अबे ऐसे कैसे चले जाओगे झोला उठा के, हमने तुमको चुना है, तुम्हारा झोला भी पकड़ लेंगे, पीछे से तुमको भी पकड़ लेंगे, झोला उठा के चले जाओगे। अरे अपना क्या है, अपना तो कुछ नहीं है। हाँ तेरा कुछ नहीं है और मेरा सब कुछ है। तो आपने देखा, अभी आपने सुना होगा एक खबर आ रही है जिसमें वो संसद भवन के उद्घाटन के समय में वो 75 रुपए का सिक्का भी जारी करने वाले हैं, जहां एक तरफ 2000 का नोट बंद हो रहा है और दूसरी तरफ 75 रुपए का सिक्का। अरे भाई ये पहले 1000 रुपए के नोट में ब्लैकमेल मनी ढूंढ रहे थे, चिप लगा हुआ था उसमें, चिप लगा हुआ था, फिर इन्होंने 2000 का नोट चलाया, 2000 का नोट सारे देश के पूंजीपतियों ने इकट्ठा कर लिया, अब 2000 का नोट बंद किया जा रहा है। अडानी अम्बानी से कह दिया कि तुम पहले ही बदल लो, अब उनके खजाने में कुछ रहा नहीं। ये देश को कमजोर करने की बात है, देश की मुद्रा स्फीति को कमजोर करने की बात है, देश को बिल्कुल एकदम नंगा भूखा बनाने की बात है। लेकिन 75 रुपए का सिक्का तो आ रहा है और आप देखे, आपने सुना होगा या देखा होगा अभी भारत जो है G20 में अध्यक्षता किया है और जो दूसरे विदेशों के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पैर छू के प्रणाम किया है हमारे प्रधानमंत्री को। देखो इनका चौमुखी प्रचार चल रहा है, कथा वाचकों को ऊपर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, यहाँ के किसानों को कथा वाचकों में बुला के गुमराह किया जा रहा है जिससे कि तुम कथा सुनो, उल्टी सूदी कहानी सुनो और देश को हम चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, अन्य जातियों के लिए जो मनुस्मृति लागू होगी, शूद्रों के लिए। आज तुम जो बोल रही हो ना, ये जींस पहनकर, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। वो नहीं होते तो हरेक नारी पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तपजत परिपूणाम धारणा शरीर भेद उच्चारे ज्या छेद, स्त्रियों शुद्ध के लिए विद्या वर्जित है, कानों में शीशा करके डालो, जीव काट दो। ये डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति इन माताओं बहनों को भी, जो यहाँ पर बहनें बैठी हैं, इनको कृतज्ञ होना चाहिए।
डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ना चाहिए। ये लोग दिन रात हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर तमिलनाडु राष्ट्र बनाने की अलग मांग करेंगे, यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की अलग मांग करेंगे। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो यहाँ पर केवल नेपाल था, पूरी दुनिया में पूरा का पूरा कंगाल हो गया था, भिखारी हो गया था, वहाँ की मुद्रा स्फीति सबसे नीचे चली गई थी। वहाँ के नेपाल के लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र में इतने सुखी नहीं थे जितना कि लोकतंत्र में सुखी हैं। जब से लोकतंत्र डेमोक्रेसी आई है तब से चाइना ने हाथ बढ़ाया है, चाइना ने वहाँ सड़कें बनवाना शुरू कर दिया है, बांग्लादेश आगे आया है, तमाम कंट्री आगे आ रहे हैं, अमेरिका आगे आ रहा है। तब उनको कोई नहीं पूछता था, जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा न इनको अमेरिका पूछेगा, न फ्रांस पूछेगा, न कोई पूछेगा, ये सिमट कर रह जाएंगे। आपने अंबेडकर जी के बारे में कहा, बाबा साहेब अंबेडकर को कौन नहीं जानता है, विदेशों में जानते हैं लोग, उन पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोग अंबेडकर के नाम से नया जो संसद बना है। तुम जानती हो अंबेडकर के बारे में? मैं तुमको पूछ रहा हूँ, बताइए हिंदू कोड बिल क्या था, हिंदू कोड बिल क्या था, हिंदू कोड बिल क्या था जिसमें से उन्होंने रिजाइन दिया और न पास नहीं होने दिया, सेपरेट सेटलमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, पृथक निर्वाचन पृथक वासन क्या था, 26 सितंबर 1932 को जो 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 कम्युनल राइट्स था वो क्या था? सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, मैंने ये कहा कि जितने तमाम लोग जानने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर अंबेडकर के नाम से क्यों नहीं बनाया, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो नई संसद भवन को जो नया संसद भवन बन रहा है इस पे बोल रहे हैं, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि अंबेडकर के नाम से बनाया जाए। वो अंबेडकर के नाम से नहीं बनाएंगे, अंबेडकर के नाम से बनाएंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, अंबेडकर के नाम पर बनाएंगे तो मनुस्मृति नहीं चला पाएंगे, अंबेडकर के नाम पर बनाएंगे तो देश धर्म निरपेक्ष रहेगा, समता रहेगी, भाईचारा रहेगा, बंधुत्व रहेगा। ये उसको खत्म करने के लिए ये नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। अभी डीयू में भी खत्म कर रहे हैं, जो डीयू के जो वहाँ के लीडर हैं, जो मेन है, हेड हैं, टीचर हैं वहाँ के, उन्होंने भी कहा है कि अननेसेसरी चीज जो बाबा साहब को लेके उसको हटा दिया जाए, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं जो आरएसएस के, उस बात को वो लोग नहीं कह रहे हैं जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, जिन्होंने अंबेडकर लाइफ एंड मिशन को पढ़ा है, जिन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा है, जिन्होंने हुबद्दा सूददाज को पढ़ा है, वो गधे कह रहे हैं जिनको अंबेडकर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन आप जैसा कि आपने देखा, एक महीने हो चुके हैं और अभी तक कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है, और अभी फिलहाल अभी सियासत शुरू है संसद भवन पे इन सब चीज़ों को लेके, और आपने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने के बाद ही तो वो जीत रहे हैं, लगातार दो बार जीते हैं और इस बार भी कह रहे हैं एक बार फिर से जीत रहे हैं, ईवीएम जीत रहा है। ये 2-4 स्टेटों में कांग्रेस को अन्य पार्टियों को जिता देंगे और भ्रम में रखकर वो ईवीएम जीत रहा है, ये बैलेट से करा लेना, आप कह दो बैलेट से करा ले, फिर देखते हैं ये कैसे जीतते हैं, बैलेट से करा ले। आखिर में इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनके लिए हम ये कहेंगे, अभी ये लंबा चलेगा, किसानों का आंदोलन 1 साल चला, उनको वापस लेना पड़ा, इनको ब्रजेश भूषण को जेल जाना पड़ेगा, उनका आजीवन कारावास होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, और ये आंदोलन ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, ये 1 महीना चले, 2 महीना चले, 1 साल चले, 2 साल चले, जब तक ब्रजभूषण जेल में नहीं चले जाते, जैसे इन्होंने गवर्नमेंट ने अपना बनाया हुआ नियम ही वापस लिया था किसान आंदोलन का, वैसे ये भी एट्रोसिटी को इन्होंने कमजोर किया, एट्रोसिटी एक्ट को भी इन्होंने वापस लिया। ये लोग शहादत मांगते हैं, ये लोग कुर्बानी मांगते हैं, ये लोग बलिदान मांगते हैं, जब करते हैं। आप इस मुगालते में न रहे कोई व्यक्ति कि 28 दिन चल गया तो ये कमज़ोर हो गया, ये धीरे धीरे आग सुलग रही है, ये धीरे धीरे धुआं निकलेगा, फिर हुल्ल निकलेगी, फिर इसमें विस्फोट होगा, सारा का सारा शांत हो जाएगा, चिंता मत करो।
तो देखा अभी हमने भंतिया जी से बात किया, इन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाए बीजेपी पे, उनके मानसिकता पे, वो जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा कहा है। आप लोगों की इस पूरी खबर पे, हमारी बातचीत पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।